नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, जिसमें खास बात यह है कि प्रदेश की योगी सरकार द्वारा नारी शक्ति को जमीनी राजनीति को जो मौका दिया है उसका महिलाओं ने धन्यवाद देते हुए स्वागत किया है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर देहात में देखने को मिला, जहाँ मैथा ब्लॉक की ग्राम सभा काशीपुर में महिला सीट होते ही महिला प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक दो महिला प्रत्याशियों ने ग्राम प्रधानी का दावा पेश किया है, जिनके बीच चल रही जमीनी जंग में राष्ट्रीय लोधी युवा महासचिव सुशील राजपूत की धर्मपत्नी अनीता राजपूत को पूरी ग्राम सभा ने हाथों हाथ लिया और वोटिंग से पहले ही जीत का आशीर्वाद देकर मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधानी चुनाव में हाईटेक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली, जिसका नजारा अनीता राजपूत के काफिले में देखने को मिला, जिसमें 101 लग्जरी गाड़ियां का काफिला जैसे ही निकला तो सभी की नजरें काफिले पे टिकी रहीं। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, जहां अनीता राजपूत ने अपने पति सुशील राजपूत के साथ ही अपना ससुराल के बड़े बुजुर्गों के साथ श्री रामचंद्र जी के मंदिर में आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर अपना परिचय बहू के रूप में देते हुए आशीर्वाद दिए जाने का निवेदन किया, जिसे लोग ने तहमन से जीत का भरोसा दिलाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनीता राजपूत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य को अपना एजेंडा बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने ग्राम सभा में अत्यधिक व आधुनिक विकास कराए जाने का वादा किया है। आपको बताते चले कि अनीता राजपूत जिस काशीपुर ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव लड़ रही है उसके अंतर्गत 12 गाँव शामिल है और पहली बार महिला सीट को मौका दिया गया है। क्या नाम है आपका, कौन सी ग्राम सभा से आप उम्मीदवार हैं? सर, अनीता राजपूत नाम है मेरा और मैं काशीपुर ग्राम सभा से उम्मीदवार हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे विकास कराएंगे? मैं अपने सभी ग्रामवासी भाई बहन माताओं को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में 16 करोड़ जनसंख्या हमारी गांव में निवास करती है और मैं भी गांव से ही संबंध रखती हूँ। गांव कनेक्शन मेरा शुरू से ही रहा है, इसलिए मैं गांव को पसंद करती हूँ। गांव के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार हमारे लाखों करोड़ों रुपए हर एक ग्राम पंचायत को देते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे ग्रामवासियों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो मैं अपने ग्रामवासियों से यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप मौका दीजिएगा और मैं अपने गांव का विकास, सभी गांवों का विकास कराऊंगा। और बढ़िया,